हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और यहाँ पर सुबह सुबह आज पिंकू डेट सारा ग्रॉसरी लेके आए हैं, वो मिल्क वगैरह, ब्रेड वगैरह, बिस्किट और ऐसा कुछ चिप्स वगैरह, क्योंकि बहुत सब कुछ ख़त्म हो गया था। घर पे रह रहे हैं, बस खाना पीना ही चल रहा है। और उस दिन मैं लास्ट टाइम गई थी, मतलब 5 लीटर मिल्क लेके आई थी 4 दिन पहले, वो ख़त्म हो गया 4 दिन में। फिर से आज वो और 6 लीटर मिल्क लेके आए हैं, देखते हैं ये कितना चीज़ चलता है कितना दिन, क्योंकि इतना तो हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं कि पूछो ही मत। सो अभी मुझे ये सब जो ग्रॉसरी है इतना सारा इसको क्लीन करके मतलब सुखाना पड़ेगा, और फिर जब ड्राई हो जाएगा तब फिर इसको रखूँगी जहाँ जिसको रखना है। तो यही अब सबसे बड़ा काम है कि इसको क्लीन करो, और पूछो ही मत हालत ख़राब हो रहा है इस सबको धोने में। और ये सब के साथ साथ यहाँ पर मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि खाना बन रहा है, ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब लंच का प्रिपरेशन चल रहा है। राइस मैंने बिठा लिया है और अब सब्जी वगैरह वो सब कुछ बनाऊँगी। तो चलिए मैं सब क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं भी कपड़ा चेंज करूँगी, क्योंकि मैं भी उनके साथ पिंकू के साथ बाहर गई थी ग्रॉसरी लाने। तो कपड़ा चेंज करके मैं फिर फ्रेश होके बात करती हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पर मेरी खाना बन रही है और साथ साथ हम अभी लूडो खेलेंगे, तो ये ज्वाइन कर रहे हैं, 4 लोग मिलके लूडो खेलेंगे। सो क्या भी करूँ, खाना अब टाइम ऐसा ही स्पेंड करना पड़ रहा है, और अब मेरा ऑलमोस्ट खाना बन भी गया है, तो इसको बिठा के हम बैठ के थोड़ा बहुत
लूडो खेलेंगे क्योंकि अभी फ्री है हम लोग। और अभी इवनिंग हो गई है और अभी भी इनका कॉल चल रहा है, सो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ आप लोग के साथ। और क्या भी कर सकती हूँ, अब तो सबकी वर्क फ्रॉम होम चल रही है तो सब तो घर पे काम कर रहे हैं। तो चलिए इनका कॉल ख़त्म हो जाए फिर मैं आराम से बात करूँगी आप लोगों के साथ। और ये पी रहे हैं चाय और आज मैं चाय नहीं पी रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे मन नहीं है और मैं इसलिए गर्म पानी पी रही हूँ। और बाद में देखेंगे अगर मन होगा तो पीऊँगी, बट अभी नहीं पी रही हूँ। थोड़ा सा वार्म वाटर पी रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा जैसे कि मुझे सर्दी है तो इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी पी रही हूँ। और इनको मैं चाय ला के देती हूँ पर ये पीते ही नहीं है, ऐसे ही बैठते हैं काम करते हैं और फिर चाय ठंडा हो जाता है और फिर बोलते हैं कि ओ तुमने चाय दे दिया था, मैं मुझे पता ही नहीं चला। और आज मैं बोल रही थी कि जैसे हम ग्रॉसरी लेने गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिंकू कितना सारा चिप्स लेके आए हैं, बस घर पे बैठ रहे हैं और सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं और इतना सारा चिप्स खा रहे हैं। मैं उनको मना भी कर रही थी क्योंकि अगर जितना भी लाओ मतलब वो खा लेते हैं हम लोग और वो भी खाते रहते हैं सामने, तो मैं भी इग्नोर नहीं कर पाती हूँ और उनके वजह से मैं भी खा ले रही हूँ और इसलिए बस मोटा होते जा रही हूँ। ओके गाइस, सो बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ क्योंकि शाम से इनका कॉल चल रहा था दिन भर, तो मैं ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ। जब इनका कॉल चलता है इतना आवाज़ आता है कि मैं ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी। और आई नो अभी आप लोग देख के सोच रहे होंगे अब तो क्वारंटाइन चल रहा है और मैं ऐसे रेडी के होके कहाँ जा रही हूँ, बट बाहर तो हम जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं। अब फिर बहुत लोग मना भी करेंगे कि क्यों हम बाहर जा रहे हैं, सो एक रीज़न है क्योंकि इनका एक फ्रेंड का बर्थडे है आज रात को ही है, सो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं केक वगैरह लेके। और अगर बहुत दूर भी होता तो हम नहीं जाते हैं, बट यहाँ पर बहुत पास में ही है, ऑलमोस्ट यहाँ से 200 मीटर में ही है उनका जो घर है, मतलब लगभग 6-7 घर के बाद ही है, सो इसलिए जा रहे हैं। और इनका बहुत क्लोज फ्रेंड है इसलिए जा रहे हैं, वरना शायद और कोई होता तो नहीं जाते हैं। और वहाँ पर ज़्यादा कोई भी नहीं आ रहे हैं, बस हम दोनों जा रहे हैं और एक दो फ्रेंड उनका वो जा रहे हैं। और एक्चुअली हम लोग प्लान तो कर रहे थे वो कि उनको सरप्राइज देंगे आज जैसे भी हो कि रात को जाके 12 बजे जाएंगे, बट उन लोगों ने पहले से ही हम लोगों को डिनर के लिए बुला लिया है, सो बस तो अब तो जा रहे हैं केक लेके, बट कुछ प्लान है देखेंगे होता है कि नहीं। हम लोग बिल्कुल भी प्रिटेंड तो नहीं करेंगे कि हम लोग केक वगैरह लेके जा रहे हैं, हम लोगों का प्लान ये है कि डिनर करने के बाद हम लोग 11:30 तक निकल आएंगे कि चलो बहुत लेट हो रहा है, अब क्वारंटाइन भी चल रहा है, ऐसा सब थोड़ा करके तो देखते हैं क्या होता है। और क्योंकि हम लोग को एक्चुअल में हम लोग को भी नहीं पता था कि केक मिलेगा भी नहीं, और ये मुझे बोल रहे थे कि केक घर पे तुम बना लो। और पिंकू कौन कर चो ओके सो ये बोल रहे थे कि तुम घर पे केक बना लो एक, और फिर मैं सोच भी रही थी बनाने का और अगर ना मिलता तो मैं बनाती भी, बट यहाँ पर जैसे कि सबको पता ही होगा कि जोमेटो स्विगी तो चल रहा है तो इसलिए हम लोगों को फॉर्चुनेटली केक मिल गया। और केक मैं फिर भी बना लेती बट मुझे केक बनाना बिल्कुल नहीं आता है, मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है लाइफ में अभी तक, सो इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, अगर मतलब केक बनेगा ही नहीं तो कैसे लेके जाएंगे फिर। और फॉर्चुनेटली मिल गया एक केक, सो और वो जब डिलीवरी भी करने आए थे बहुत डर लग रहा था और फिर मैं उसको बिल्कुल पकड़ के हैंड वॉश किया और उसको मतलब थोड़ा सा धूप में भी रख दिया, सैनिटाइजर भी उसके ऊपर लगा लिया, ऐसा चल रहा है, ऐसा डर तो लग रहा है बट क्या करेंगे। और इसीलिए जा रहे हैं अभी, और ज़्यादा रेडी भी नहीं हुई हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे रेडी हूँ और रेडी होने का भी चांस अब नहीं मिल रहा है कि अब कहीं जाए, सो बस यही सब चल रहा है लाइफ में, पता नहीं ये कब सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ होगा। गाड़ी लो अच्छा अच्छा और आज मैंने मेरा जो सोफा का यहाँ पर कवर था
उसको क्लीन करने दे दिया है, सो ये बिल्कुल मतलब खाली खाली लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। मतलब वो ब्लू कलर का होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, बट ये मेरा एक्चुअल में ये सोफा मतलब ये जो मेरा है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो घर की कलर है इसका कलर जो आप देख सकते हो ऑफ वाइट है, और ये सोफा भी मेरा ऑफ वाइट है, क्योंकि हम जब ये सोफा ले रहे थे आइकिया से तब इसका चार पांच कलर ऑप्शन था, बट हम लोग के पास रेड तो मुझे लेना नहीं था, और एक था मतलब ग्रीन, ग्रीन था ना इसका, और एक क्या था, ग्रीन और एक ग्रे भी था, बट हमारा जो घर था हैदराबाद में उसका जो वो एक्चुअली उसका कलर अच्छा था, बट उसका जो पीछे का कलर था घर का, मतलब हमारा ये बैग वाला टीवी यूनिट वाला रेड था, और उसके पीछे रेड वाला, इसीलिए मैंने नहीं लिया कि बहुत ज्यादा रेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो टीवी यूनिट था वो रेड था और पीछे का जो दीवार का कलर था वो ग्रे था, सो इसलिए मैंने ग्रे भी नहीं लिया, तो मैंने सोचा हाँ तो इतना कलर है सो इसे ऑफ वाइट ही ले लेते हैं, बट अब यहाँ पर जब आएगी तो पूरा घर ही ऑफ वाइट है, और ये सोफा बिल्कुल उसके साथ मतलब दिख भी नहीं रहा है कि मिक्स हो रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर मास्क लगा के रेडी हो गए हैं, हाँ, और मैं शायद वहाँ पर वीडियो ना बनाऊँ क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि वो लोग आए भी हैं हम लोग के घर पे डिनर के लिए, और जिनकी शादी में हम गए थे उड़ीसा एक्चुअली वो ही है, तो मैं वहाँ पर ऑब्वियसली सूट नहीं करूँगी क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते, अगर मे भी पॉसिबल होता होगा तो मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्लिप डाल सकती हूँ, तो देखेंगे कि पॉसिबल होता है नहीं, बट अगर उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो डेफिनेटली नहीं डालूंगी, और बस यही है, तो चलिए मैं जाके आती हूँ और फिर बात करती हूँ आप लोग के साथ। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ पर आ गए हैं और थोड़ा बहुत डेकोरेशन चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे क्योंकि पहले से ही था वो हैप्पी बर्थडे वाला उनका लगा हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी वाइफ की बर्थडे थी, सो बस वो एक स्टिकर ही लगा रहे हैं, और यहाँ पर मैं फ़ोन पकड़ के बैठी हूँ, और सच में क्या बोलूँ कितना अच्छा फील हो रहा है सामने और दो लोगों को देख के, मतलब बातें बातें कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर पर तो बैठ के एक दूसरे की शक्ल ही देखते हैं हम दोनों, और यहाँ पर आप बहुत टेस्टी टेस्टी खाना भी बनाया है उनकी वाइफ ने, जैसे कि आप देख सकते हो ये कटलेट है बहुत ही टेस्टी है, और हम थोड़ा लेट हो जाएगा हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग 12 बजे के बाद डिनर करेंगे सोच रहे हैं, और ये है बर्थडे बॉय, सो मास्क ही मिला है गिफ्ट में और कुछ ऑप्शन नहीं है आजकल देने के लिए कोरोना में, सो बस इसे पहन के वो कट कर रहे हैं केक, तो देख सकते हो आप, तो ये अभी का यही सिचुएशन है, ये बर्थडे तो बिल्कुल याददार रहेगा, मतलब कभी भी शायद हम लोग ना भूलें, तो पता नहीं अब जिस चीज़ के जिन दिन का मतलब बर्थडे आ रहा है कैसे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सच में यार मतलब ये बर्थडे तो कोई भी नहीं भूलेगा, तो बस तो चलिए ये जो व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, सो फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सो तब तक के लिए बाय बाय।